हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न फोर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड इज लाइक फ्रैक्शन, थर्ड इज अनलाइक फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज प्रॉपर फ्रैक्शन. टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट टू अदर फ्रैक्शंस, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. Firstly, we will know about mixed fraction. Definition of mixed fraction is a fraction made up of a whole number, and a proper fraction is called a mixed fraction. Means, वह fraction जो एक whole number और एक proper fraction से मिलके बना होता है, वो हमारा mixed fraction होता है. Whole number means जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर में ना हो, वो होल में हो. और प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल ऑफ यू नो, द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स मिक्स्ड फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं. तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन गिवन है 1 एंड 3/4. तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 1 होल 3/4. एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज मेड अप अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. 1 होल 3/4. तो यहाँ पे होल नंबर क्या है? 1. दिस इज होल नंबर एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है. अब जो हमारा होल नंबर होता है और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसका अदर नेम क्या होता है? होल नंबर इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट. नाउ दिस इज क्लियर. Now we will learn how we will convert mixed fraction into improper fraction. क्योंकि जब हम mixed fraction को convert करते हैं, तो वो हमारा improper fraction में convert होता है. Here we will write conversion of mixed fraction into improper fraction. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले हम इसी फ्रैक्शन को लेते हैं, 1 होल 3/4. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसके लिए हम एक फॉर्मूला राइट कर लेते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ब्रैकेट क्लोज प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अगर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हमारा कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. वी विल राइट दिस फ्रैक्शन 1 होल 3/4. इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे होल नंबर क्या है? 1, और डिनोमिनेटर क्या है? 4. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस न्यूमरेटर क्या है? 3. 3/4, फिर डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 4. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. 4 वन जा 4
प्लस 3 अपॉन 4, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7 अपॉन 4। ऐसे ही हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और लेते हैं, 4 होल 3 अपॉन 5। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो होल पार्ट यहाँ पे क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इज 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस न्यूमरेटर इज व्हाट 3 अपॉन डिनोमिनेटर इज व्हाट 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, देन वी विल ऐड 3 अपॉन 5, 20 में 3 ऐड हुआ क्या हुआ 23 अपॉन 5। दिस इज कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मीन्स वे सभी फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो जो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन थे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होते थे। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ फ्रैक्शनल नंबर 5/3। हियर यू कैन सी दैट न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 3। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Now we will learn how we will convert improper fractions into mixed fraction. Conversion of improper fraction into mixed fraction. Now we will understand with the help of some fractional numbers. We take here fractional number is 5/3. Here numerator is greater than denominator, so this is improper fraction. अब improper fraction को हम mixed fraction में कैसे convert करते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? Numerator को denominator से divide करना होगा. Okay? So we will write in division form 5/3. कितने time जाएगा? One time. तो यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड हुआ? कोसेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड डिविडेंड। तो यहाँ पे जो हमारा कोसेंट होता है वो हमारा क्या होता है? होल नंबर और इंटीग्रल पार्ट। जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर। और जो डिवाइजर होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें कोसेंट फाइंड होता है वो हमारा होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो हमें रिमाइंडर फाइंड होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइजर होता है दैट इज डिनोमिनेटर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका क्या हुआ? 1/2/3। दिस इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नाउ we will understand with the help of second example. हम एक fraction लेंगे 28/13। इसको हमें mixed fraction में convert करना है, तो हम क्या करेंगे? Numerator को denominator से divide करेंगे। 28/13 कितने time जाएगा? 2 time, 13 2 जा 26, subtract करेंगे
वी गेट रिमाइंडर टू। ओके, तो यहाँ पे जो हमें कोसेंट फाइंड हुआ दैट इज इंटीग्रल पार्ट, और जो रिमाइंडर फाइंड हुआ दैट इज न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर था दैट इज डिनोमिनेटर। सो वी विल गेट मिक्स्ड फ्रैक्शन इज टू, न्यूमरेटर टू एंड डिनोमिनेटर इज 30। दिस इज कन्वर्टेड इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स आई होप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आ गया हो। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नाउ दिस इज प्रैक्टिस टाइम। चिल्ड्रेन आई होप योर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज क्लियर टू यू। नाउ हियर आर सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, सॉल्व देम एंड चेक योर नॉलेज। चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल एंजॉयड वेल, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।